एक गरीब लड़की की अनसुनी कहानी। आज स्कूल में शहर की महिला एसडीएम आने वाली थी। क्लास की सारी लड़कियां खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। सबकी बातों में सिर्फ एक ही बात थी, एसडीएम। और हो भी क्यों ना, आखिर वो भी एक लड़की थी। पर एक ओर जब सब लड़कियां व्यस्त थीं एसडीएम की चर्चाओं में, वहीं एक लड़की सीट की लास्ट बेंच पर बैठी पेन और कैप से खेल रही थी। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है। वो अपने में मस्त थी। वो लड़की थी आरुषि। आरुषि पास के ही एक गांव के एक किसान की एक लौती बेटी थी। स्कूल और उसके घर का फासला लगभग 10 किलोमीटर का था, जिसे वो साइकिल से तय करती थी। स्कूल में बाकी की सहेलियां उससे इसीलिए ज्यादा नहीं जोड़कर रहती थी क्योंकि वो उनकी तरह रईस नहीं थी। लेकिन इसमें उसका क्या दोष था। खैर, उसकी जिंदगी सेट कर दी गई थी। इंटरमीडिएट के बाद उसे आगे नहीं पढ़ा सकते थे क्योंकि उसके पापा पैसा सिर्फ एक जगह लगा सकते थे, या शादी में और या तो आगे की पढ़ाई में। उसके परिवार में कोई भी मैट्रिक से ज़्यादा पढ़ा नहीं था। बस यही रोड मैप उसकी आँखों के सामने हमेशा घूमता रहता था कि ये क्लास उसकी अंतिम क्लास है और उसके बाद उसकी शादी कर दी जाएगी। इसीलिए वो आगे सपने ही नहीं देखती थी और इसीलिए उस दिन एसडीएम के आने का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक 12 बजे एसडीएम उनके स्कूल में आई। यही कोई 24-25 साल की लड़की, नीली बत्ती की अम्बेस्टर गाड़ी और साथ में 4 पुलिस वाले। 2 घंटे के कार्यक्रम के बाद एसडीएम चली गई, लेकिन आरुषि के दिल में बहुत बड़ी उम्मीद छोड़ गई। उसे अपनी जिंदगी से अब प्यार हो रहा था, जैसे उसके सपने अब आजाद होना चाहते हों। उस रात आरुषि सो नहीं पाई। स्कूल में भी उसी उलझन में लगी रही, क्या करूं, कैसे करूं। वो बोलना चाहती थी, फिर अचानक पापा की गरीबी उसके सपनों और मंजिलों के बीच आकर खड़ी हो जाती। वो घर वापस गई और रात खाने के समय सब माँ और पापा को बता डाली। पापा ने उसे गले से लगा लिया। उनके पास छोटी सी जमीन का एक टुकड़ा था, कीमत यही कोई 50,000 रुपये की होगी। आरुषि की शादी के लिए उसे डाल रखा था। पापा ने कहा कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ पूरी कर सकता हूँ, तेरी शादी हो या तेरे सपने। आरुषि अपने सपनों पर दांव खेलने को तैयार हो गई। इंटरमीडिएट के बाद उसने बीए में दाखिला लिया क्योंकि ग्रेजुएशन में उसकी फीस सबसे सस्ती थी। पैसे का इंतजाम पापा ने किसी से मांग कर कर दिया, पर यह उसकी मंजिल नहीं थी। उसकी मंजिल तो कहीं और थी। उसने तैयारी शुरू की। सबसे बड़ी समस्या आती किताबों की, तो उसके लिए नुक्कड़ की एक पुरानी दुकान का सहारा लिया जहाँ पुरानी किताबें बेची या खरीदी जाती थी। ये पुरानी किताबें उसे आधी कीमत में मिल जाती थी। वो एक किताब खरीद कर लाती और पढ़ने के बाद उसे बेचकर दूसरी किताब। कहते हैं ना कि जब परिंदों के हौसलों में शिद्दत होती है तो आसमान भी अपना कद झुकाने लगता है। आरुषि की लगन को देखकर उस दुकान वाले अंकल ने उसे किताबें फ्री में देनी शुरू कर दी, और कुछ किताबें तो वो खुद नई खरीद कर दे देते और कहते कि बिटिया जब बन जाना तो सूद समेत वापस कर देना। कुछ भी हो, आरुषि इस यकीन को नहीं तोड़ना चाहती थी। ग्रेजुएशन के 2 साल पूरे हो गए और उसकी तैयारी लगातार चलती रही। सब ठीक चल रहा था कि अचानक उसके माँ की तबीयत खराब हो गई। इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी, लेकिन पहले से ही घर कर्ज में डूब चुका था। अंत में पापा ने जमीन गिरवी रख दी और इसी बीच उसने ग्रेजुएशन के 3रे वर्ष में दाखिला लिया। समस्याएँ दामन नहीं छोड़ रही थी। आरुषि कब तक अपने हौसलों को मजबूत बनाने की कोशिश करती। आखिरकार एक दिन माँ से लिपट कर वो बहुत रोई और एक ही बात पूछी, माँ हमारे कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे। माँ ने उसे साहस दिया और फिर से उसने कोशिश की। कहते हैं ना कि योद्धा कभी पराजित नहीं होते, या तो विजयी होते हैं और या तो वीरगति को प्राप्त होते हैं। 23 जून, हाँ ये वही दिन था जब आरुषि ने प्रारंभिक परीक्षा पास की थी। अब बारी मुख्य परीक्षा की थी और आरुषि के हौसले अब 7वें आसमान को छू रहे थे। 3 वर्ष की लगातार कठिन परिश्रम का फल था कि आरुषि ने मुख्य परीक्षा भी पास कर ली। अब वो अपने सपने से सिर्फ एक कदम दूर खड़ी थी। पीछे मुड़कर देखती तो उसे सिर्फ 3 ही लोग नजर आते, माँ पापा और दुकान वाले अंकल। आखिरकार इंटरव्यू हुआ और अंतिम परिणाम में आरुषि ने सफलता हासिल कर ही ली। आरुषि को जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि हाँ ये वही आरुषि है। माँ पापा तो अपने आंसुओं के सैलाब को रोक ही नहीं पा रहे थे।
आरुषि अपने घर से तेजी से निकल गई। उन्हीं आंसुओं के साथ आखिर किसी और को भी तो उसे धन्यवाद देना था। सीधे जाकर दुकान वाले अंकल के पास रुकी। अंकल ने उसे गले से लगा लिया और खुद भी छलक गए। असल में ये जीत सिर्फ आरुषि की जीत नहीं थी, इस जीत में शामिल थी माँ की ममता, पिता के हौसले और दुकान वाले अंकल का यकीन। और किसी ने बहुत खो भी कहा है कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता। बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। अगर ये वीडियो थोड़ी बहुत भी दिल को छुई हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।